दोस्तों, फिटर फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो एग्ज़ाम है आईटीआई वाले। जो हमारे चाहे फिटर का पेपर हो, इलेक्ट्रीशियन का हो, टर्नर का हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर, अर्थात जितनी भी आईटीआई होती है सभी में ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, पूरा वीडियो देखें और अपनी ज़िंदगी में सफल हों। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, वेग घनत्व त्वरण को जाना जाता है, यानी वेग घनत्व और त्वरण ये तीन चीज़ें होती हैं, इनको किससे जाना जाता है। तो जो हमारे वेग घनत्व और त्वरण जो होता है ये दो राशियों में पाए जाते हैं। कोई भी जो हमारी यूनिट होती है साइंस की, एक राशि होती है मौलिक राशि, पहले नंबर पर दी गई है, जो इसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। राशि का मतलब होता है यूनिट। और दूसरे नंबर पर जो दी गई है वो व्युत्पन्न राशि दी गई है, ये ख नंबर पर दिखाई गई है। तो इसको मैं एक बेसिक बात बता देता हूँ, राशियाँ मौलिक कौन सी होती है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे लेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, आपने सुना होगा, जानते भी होंगे। समय का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। तो ये सिंगल यूनिट है, जो ये सिंगल यूनिट होते हैं इन्हें हम मौलिक राशियाँ या अर्थात फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जब दो राशियों को एक साथ मिलाया जाता है तो हमारी जो राशि बनती है उसे हम व्युत्पन्न या कन्वर्टेड यूनिट कहते हैं। कन्वर्टेड यूनिट इंग्लिश में होता है, उसे हम हिंदी में व्युत्पन्न राशि। कैसे, जैसे हमने कहा वेग, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वेग, तो वेग की जो राशि होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, इसमें दो राशि मिल गई हैं तो ये हमारी व्युत्पन्न राशि बन गई। तो ये तो तीनों राशियाँ हैं, वेग, घनत्व, त्वरण, जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 10 मीटर 5 मीटर आकार की सीट को 25 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर आकार के छोटे टुकड़ों में काटे जाते हैं, तो टुकड़ों की संख्या ज्ञात करो। तो एक आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई हम सवाल को मेंसुरेशन के सवाल को लगाते हैं तो दोनों की इकाइयां सेम होना चाहिए। तो इसमें देखिए सेंटीमीटर है और इसमें मीटर है, तो हमें मीटर का सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। और एक बात, हमें जब संख्या निकालना हो तो बड़े मान में छोटे मान का डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने एन लिखा है, एन की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम बड़े मान में छोटे मान का डिवाइड करेंगे। बड़े मान में छोटे मान का डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे सीट हमारी 10x5 की है तो 10 मीटर, 10 मीटर में हमारा 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा जी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, गुणा 5 मीटर में 500 हो जाएंगे, गुणा 500 लिखेंगे, और बटे में हम क्या लिखेंगे, बटे में 25 सेंटीमीटर इंटू 20। तो ये ऐसे इस तरीके से आपको डिवाइड देकर करना है, 25 से हम काटेंगे तो ये 40 आ जाएगा हमारा, और इसको 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40 2 आ जाएगा, और 50 का 2, 500 का 2 में गुणा करें तो 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो कभी भी हमें संख्या निकालना हो तो बड़े में छोटे का डिवाइड करके ही हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा जो होता है हमारा, साइन का कॉस में चेंज हो जाता है, तो साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ये ट्रिग्नो, और कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, यानी साइन का कॉस में हो जाता है, कॉस का साइन में हो जाता है। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है, कार्य की इकाई है, तो कार्य की दो इकाइयाँ होती हैं जूल, एक इकाई होती है जूल और दूसरी इकाई होती है अर्ग। तो इसमें एक होती है हमारी CGS में, एक होती है MKS में, तो हमारी जो यूनिट MKS में है तो हम इसका जूल आंसर लगाएंगे, तो फर्स्ट आंसर राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, 36 इंच बराबर होता है, तो 36 इंच को हमें कन्वर्टेड करना है, तो ये लिखे गए हैं 91.4, तो इसमें जो है इसमें लिखा नहीं किस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें इसमें इंच को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी इकाई नहीं लिखी गई। मैं ऑप्शन से थोड़ा समझ पा रहा हूँ कि ऑप्शन से कैसे समझेंगे, इसमें क्योंकि इकाई नहीं लिखी गई है तो मैं बता देता हूँ 36 इंच की बहुत सारे मान बता देता हूँ, क्योंकि कोई भी इकाई नहीं लिखी, हम किस में बदल दें, तो ये इंग्लिश में देख के हम पता कर सकते हैं कि किस में बदलें। तो मैं बहुत सारी बातें आपको बता देता हूँ। पहली जो बात होगी 36 इंच, तो 36 इंच में जो हो जाएंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आएगा, 12 इंच का एक फुट होता है, तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा 3 फुट। अब हमें चाहो तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। दूसरा आंसर मैं कर रहा हूँ इसी को, तो 30.48 सेंटीमीटर होते हैं एक फुट में, तो हम 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 का जब गुणा करेंगे तो 3×8=24, 3×4=12, 2×14 और 3×3=9। तो जो इसमें जो आंसर जो इसमें लिखा हुआ है 91.4, ये सेंटीमीटर में लिखा गया है, तो इसमें ये लिखना चाहिए था इसको कि 36 इंच का सेंटीमीटर में क्या होगा, ये अधूरा क्वेश्चन है हिंदी में,
तो आप इंग्लिश से पढ़ के कोई भी क्वेश्चन करें, इंग्लिश से पढ़कर हल करें, क्योंकि इंग्लिश में सारा कुछ रहता है, क्योंकि पेपर पहले इंग्लिश में बनता है फिर हिंदी में बदला जाता है, तो हिंदी में कुछ चीज़ छूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, छठवां नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है इसका, तो ये मल्टीप्लाई करके आप इसको कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसका बता सकता हूँ मल्टीप्लाई में, देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है इसका। इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है और पॉइंट कितने पर रखना है वो मैं बात बता देता हूँ। देखिए इस पर 3 पर पॉइंट है और इसमें जो है वो 2 पर पॉइंट है, तो हम जब इसका गुणा कर लेंगे तो टोटल 5 पर पॉइंट रखेंगे। जैसे देखिए मैंने साइड में गुणा करके इधर दिखाया है, साइड में देखिए गुणा किया है, तो हमें 5 पर पॉइंट रखना है, इसमें 5 पर पॉइंट। इसमें एक डिजिट इधर पे जो है छिप गया है, मैं इधर दिखा देता हूँ आपको, इधर पे एक डिजिट छिप गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 का पॉइंट रखा हुआ है। हमें गुणा पहले करना है, पॉइंट का गुणा नहीं करना है, तो उसे ध्यान रखना। पहले हम गुणा करेंगे 3,745 गुणे 587, इसका पहले गुणा कर लेना आप लोग 587 का, जब गुणा हो जाए टोटल फिर 5 पर पॉइंट रखना। कई लोग पॉइंट का गुणा साथ में करने लगते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये बोर्ड मास का सवाल है, ये मैं सवाल आपको बता देता हूँ। तो ये बोर्ड मास के सवाल में सबसे पहले मैं ब्रैकेट हल करूँगा। ब्रैकेट को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले ए वाला ब्रैकेट अपन हल करेंगे। तो इस वाले ब्रैकेट में जो है 33 आगे प्लस का है और पीछे 33 माइनस का है, तो ये प्लस 33 से माइनस 33 हट जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद माइनस 44 बचा है इसमें, माइनस 44, तो इसके बाद हम इसको कैसे नोट करेंगे, इसके बाद जैसे हमने माइनस कर लिया तो ये वैल्यू से ये वैल्यू कट गई थी, तो इसके बाद हमने किया 44, लिख लेते हैं थोड़ा, 44 माइनस बड़ा ब्रैकेट 33 माइनस छोटा ब्रैकेट, सॉरी मतलब ब्रैकेट, इसके बाद है 44 और फिर है माइनस 44, तो 44 और ब्रैकेट में है माइनस 44, तो ये 44 और 44 का हमें गुणा करना पड़ेगा। जब 44 और 44 का गुणा कर लेंगे फिर इसके बाद जो होगा हमारा 44 × 44 करेंगे, तो 44 × 44 जो आएगा वो मैंने आगे लिख देता हूँ इसको, ये 44 माइनस 33 और माइनस जो हम गुणा करेंगे 44 × 44 उसको हम इधर लिख देंगे, 44 × 44 जो आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ आपको साइड में, नहीं तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। 44 × 44 कर देता हूँ, 44 × 44 चार चौका 16 फिर हो जाएगा 4 चौका 16 1 17 ये गुणा कर दे रहा हूँ मैं, इसको 6 और 6 7 6 13 और ये हो जाएगा कितना 7 1 8 1 9 ये 1936 आ जाएगा, तो हम इधर 1936 लिख सकते हैं, इधर 1936, तो इधर मैं लिख देता हूँ 1936, ये लिख दिया, और ये आगे का ब्रैकेट मैंने आगे लगा दिया, पीछे का पीछे लगा दिया। अब हम 1936 में माइनस के हैं, ये हमारी जो है ये वाली जो संख्या है वो माइनस की है, तो इसमें से ये प्लस वाला 33 चला जाएगा, तो जब 33 चला जाएगा तो 1903 बचेगा, और 1903 जो अंदर माइनस है वो बाहर माइनस, तो 44 ये अंदर और बाहर का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 1903 जुड़ जाएगा, तो 1903 1947 इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसमें बी आंसर में 1947 दिया गया है, तो इसको आप चाहें तो रफ पेपर में अच्छे से कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ध्यान रखना पहले अंदर वाला ब्रैकेट होगा, फिर मीडियम ब्रैकेट होगा, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल होगा। हम आगे क्वेश्चन हल करते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन 40% का, देखिए इसमें दिखाया गया है, ये जो हम आठवां क्वेश्चन हल करने वाले हैं, 40% का, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, यानी ये ध्यान रखना 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 10 को हमें निकालना है, तो इसको लिखेंगे हम 10/40 गुणे 100, तो 0 से ये 0 कट जाएगा और ये इसके बाद ये हो जाएगा अपना सोचा, ये 0 से 100 × 4 25% इसका आंसर आ जाएगा। जिसका परसेंट पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है और जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसको नीचे लिखना है, हमेशा ध्यान रखें। अगला नाम है पॉइजन अनुपात जो होता है, पॉइजन का अनुपात हम किससे दर्शाते हैं, तो पॉइजन अनुपात जो हमारा रहता है, पॉइजन अनुपात बराबर होता है 1/k, इसको याद कर लीजिए, पॉइजन वैल्यू जो होती है 1/k होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो जो परिधि का सूत्र होता है वो 2πr
होता है। तो इसका आंसर जो है सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ए बी सी समकोण त्रिभुज में कर्ण किसके बराबर होता है। तो देखिए जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, ये इस तरीके से समकोण त्रिभुज हमारा रहता है। तो ये ए बी सी हम लिख देते हैं, ए बी सी। तो जो हमारा ए सी का स्क्वायर रहता है, जैसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कहीं दिया है, तो इसमें सी नंबर में दिया है, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ जी स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट भी लग जाएगा। तो देखिए सी आंसर में, सॉरी डी आंसर में दिया गया है, अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है ऊपर से, वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसके बाद अगला 12वां क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई लोग रटते रहते हैं, रटना नहीं है आपको, मैं बता देता हूँ तरीका। 5 घन वर्ग मीटर में वर्ग सेंटीमीटर, तो कभी भी याद नहीं रहे, 1 मीटर में जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। अब हमें वर्ग बनाना है, तो दोनों का वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ का, तो दोनों का वर्ग करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10,000 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें 5 का निकालना है, तो 5 में हम 10,000 का गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर 50,000 हो जाएगा। तो वर्ग पूछे तो आप दोनों तरफ का वर्ग कर दो, और घन पूछे तो दोनों तरफ का घन कर दो। इसके बाद 37 डिग्री सी, ये आंसर हमें निकालना है। तो 37 डिग्री सी का जो फारेनहाइट में होता है वो 98.6 होता है, क्योंकि नॉर्मल हमारे शरीर का टेम्परेचर ये 37 डिग्री सी और 98.6 डिग्री F होता है। ये कोरोना काल में बहुत ही चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोवाट में कितनी अश्वशक्ति होगी। तो 1 किलोवाट में कितनी अश्वशक्ति रहती है, तो ये मैं निकाल देता हूँ, 1 हॉर्स पावर, 1 HP बराबर जो रहता है, 1 HP, तो 1 HP बराबर रहता है 745 मान लेते हैं, या 746 से लगा देता हूँ, चलो 746 वाट रहते हैं। तो ये अब 1 वाट में जब हम निकालेंगे, तो 1 वाट में निकालेंगे तो बटे में 786 आ जाएगा इसका, तो ये हम इसको किलोवाट बना देते हैं, तो 746/1000। अब इसका उल्टा हम करेंगे तो 1000 इधर आएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, देखो मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक से, इसको लगाएंगे हम उल्टा करके, क्योंकि 746 डिवाइड में जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 1000/746×10। अब इसको हमें हल करना है गुणा करके, तो इसको हम गुणा करके करेंगे तो 10000/746 आएगा, 10000/746। तो इसका जो आंसर आएगा वो लगभग 13-14 के आसपास आएगा, क्योंकि देखिए 740 का एक बार भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा, और फिर 0 बढ़ाएंगे तो 13-12 के आसपास आएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 1000 हमने क्यों लिखा, किलोवाट में है, और 746 जो हॉर्स पावर, 746 वाट होते हैं, तो किलोवाट में बना के 10 का गुणा कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया, 78,000 किलोग्राम मीटर क्यूब में कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर होंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हम कर रहे थे, ये क्वेश्चन में देखिए इसमें किलोमीटर क्यूब और ये मीटर स्क्वायर दिया गया है, ये मीटर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, इसका मीटर क्यूब ही होना चाहिए। तो इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, इसको कभी भी कन्वर्ट करना है किलोमीटर क्यूब से किलो न्यूटन मीटर क्यूब में, तो इसमें होता है, इसमें 1/1000 हो जाता है, 1/100 हो जाता है कभी भी, तो 7800 का 1/100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 780 इसमें आंसर होना चाहिए किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो 780 इसमें नहीं है, लेकिन 7800 इसमें आंसर है, तो इसका आंसर 780 ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन, 16, एक वस्तु का घनत्व क्या होगा यदि आयतन उसका वॉल्यूम दिया गया है और द्रव्यमान ये दिया गया है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको बता देता हूँ। कभी भी घनत्व और वॉल्यूम का हो तो एक सूत्र जरूर याद रखें आप हमेशा, वो सूत्र होता है D=m/V। तो m की वैल्यू कितनी दी गई, m की वैल्यू 42 दी गई है, और v की वैल्यू जो दी गई है वो 15 दी गई है, 15 का भाग हम 42 में दे देंगे तो 15 ज़्यादा हो गया, 15 का 3 बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा, 15 × 30 और 2.80, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.80, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। देखिए अभी मैंने परिधि का सूत्र बताया था, अब क्षेत्रफल का बता देता हूँ, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2π × 1 का सही मान होगा, 2π × 1, तो ये देखिए इसमें 2 लिखा, 2 का 2 होता है, पाई का मान हम रख देते हैं, इसमें 22/
वाइस बटे सात टू पाई ही लिखा है, इंटू इसमें वन लिखा गया है इंटू वन, तो इसमें इसका शायद मिसप्रिंट हो, वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 44/7। तो इसमें शायद यदि इस तरीके जिस तरीके से अभी लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसका आंसर 44/7 होना चाहिए, लेकिन इसमें यदि और कुछ प्रिंट होगा तो इसके आंसर मैच कर जाएंगे। ये हम इंग्लिश में देख के, इंग्लिश में जो होगा उस तरीके से हल करेंगे। इसका 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। एमकेएस प्रणाली में एसआई सिस्टम जो होता है उसमें सात मूल मात्रक होते हैं, तो उसमें लंबाई का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। 20 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं, एक गैलन किसके बराबर होता है? तो एक गैलन जो होता है 4.546 लीटर के बराबर होता है, तो लगभग 4 लीटर इसका आंसर हम लगा देंगे, क्योंकि और कहीं तो इसमें कोई आंसर सटीक आ ही नहीं रहा है। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन, 110 फारेनहाइट को सी में बदलो, तो इसके लिए हमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा, वो सूत्र मैं लिख देता हूँ, आप सूत्र को ध्यान करके याद कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा सूत्र होता है वो लिख देता हूँ, सी बटे 5 बराबर एफ माइनस 32/9 होता है। तो सी बटे 5, तो सी की वैल्यू तो हमें निकाला, तो सी बटे 5 कर दी, एफ की जगह हम 110 रखेंगे, तो 110 में से 32 ये माइनस हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम 110 में से 32 घटा देते हैं, तो 110 में से पहले 30 घटाइए, तो 30 घटाने में 80 बचेगा, 80 में से 2 घटा दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 78 आएगा 110 में से 32, 10 में से 2 गए 8, और ये 78 आ गया। अब हम इसको और हल करेंगे, सी बटे 5 बराबर 78/9, हम इसको गुणा कर देते हैं, कैची गुणा, तो 9c बराबर हो जाएगा, ये देखो मैं ऊपर से फिर से लगा दूँ, इधर तक लगा लिया होगा आप लोगों ने, इधर से आगे कैसे लगेगा, इधर से आगे सी बटे 5 इतना आ गया था, मैं लिख देता हूँ फिर से दोबारा से ऊपर से, सी बटे 5 बराबर 78/9 आया था, कैसे गुणा करता हूँ, 9c बराबर 5 का गुणा कर देंगे, 5 8 40, 5 7 35, 35 और 4 39, अब 9 का इसमें भाग दे देंगे, 9 का भाग देंगे तो 9 4 36, 4 और 4 आ गया देखिए, और 4 के बाद भी कुछ आएगा तो 4 जीरो तो हो नहीं सकता, 4 3 ही इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, एक स्थिर गति पर लंब रूप से 3 मीटर दूरी तक 15 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उसमें लगे कार की गणना करें, तो कार बराबर क्या होता है, मैं सूत्र लिख देता हूँ, जो कार W बराबर होता है F इंटू डी, एफ मतलब होगा बल, बल कितना लगाया हमने 15 न्यूटन का, और 3 मीटर दूरी तक लगाया, तो 15 थी 45 जूल इसका कार हो जाएगा, फर्स्ट आंसर राइट आंसर, तो ये फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो त्रिभुज इस तरीके से रहता है, इसे हम बेस बोलते हैं, इसे हाइट बोलते हैं, तो इसका सूत्र होता है 1/2 pi × h होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पाई का सही मान क्या होता है? तो पाई का मान सही मान जो होता है 22/7 होता है, सही मान बिल्कुल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी उस त्रिभुज की जो भुजा है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल जो होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4a² होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, √3/4a² ए की मतलब 8 8 64 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर था, 4 से हम 64 को काटेंगे 16 आ जाएगा, 16√3, लेकिन 16√3 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो √3 की हम वैल्यू रख देंगे, तो 16 × 1.732 √3 की वैल्यू, इसका गुणा हम करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो 16 7 16 और 12 लगभग 27 पॉइंट कुछ आ जाएगा, लेकिन देखिए इसमें सेंट एक आंसर मिलीमीटर में भी दिया है और एक आंसर सेंटीमीटर में भी दिया है, तो हमने मान किस में रखे सेंटीमीटर, तो हमारा बी आंसर होगा, सेंटीमीटर वाला आंसर राइट आंसर होगा, ध्यान रखना इस तरीके की गलती हो सकती है, तो इसका बी आंसर ही होगा। तो दोस्त ये रहे हमारे क्वेश्चन जो सभी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।